जबाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। जबाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। दुआ करो अल्लाह मैं जो कुछ सुनाया तुसी सुनिया, अल्लाह अपनी बार के अंदर कबूल मंजूर फरमा के जरिए निजात बनाए। आखिरी आमीन। अल्लाह साढ़े वास्ते जरिया निजात बना। अल्लाह साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा। आमीन नहीं आखदे हो ना इंदा खर्चा है ना इंदा परचा है। आमीन आखन लगे तुसी घस जांदे। अल्लाह जितने बैठे ने सब दा कदम कदम चल के आना अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह सब दा मसदा नाल प्यार करना तावन करना अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमा। वा आखिरु दावाना मुहब्बत पैदा होनी चाहिए। तीसरे नंबर ते जनाब दिल दे अंदर कबर दा खौफ होना जरूरी है, कबर दा जनाब अज़ाब होना जरूरी है, ये तेरे ज़हन दे अंदर होना जरूरी है। कल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं पेश होना है, ये तेरे दिल दे अंदर ख्याल 24 घंटे मौजूद होना चाहिए है। कल एक वक्त आने वाला है, कल एक वक्त ऐसा आने वाला है, तेरे अंगूठे दे नाल अंगूठा बन दिता जाएगा, तेरी जनाब लाश नहलाया जाएगा, तेरे मुंह ते पानी भी लोग पाणगे, तू अपने कफन दे कपड़े नु भी सिद्धा ना कर सकेगा। एक ऐसा वक्त आने वाला है, ना ना वीरा मैं झूठ नहीं बोलता पिया, अल्लाह की कसम एक वक्त ऐसा आने वाला है, कब्र के अंदर तेन उतारिया जाएगा, तेरे उत्ते स्लैबा रखिया जाएगियां, तेरे तो मनो मन मट्टी पाई जाएगी। वो मुसलमानो क्या तुसी अपनी जिंदगी के अंदर कभी अल्लाह को रो के तौबा भी की थी या नहीं की थी? साढ़े दिल इतने सख्त हो गए, साढ़े दिलों के अंदर इतनी कड़वाहट पैदा हो गई, अज सानू खौफ नहीं आता, अज सानू डरी नहीं आता, असी बेईमानियां भी की जाने, फिर भी असी कहने मैं मुसलमान हाँ, असी जनाब हर काम भी की जाने, हराम कारोबार भी की जा रहे, लोगों से जुलम भी की जा रहे, अपनी भैन के नाल ज्यादतियां भरावान के नाल ज्यादतियां कर रहे, फिर भी असी कहने जी मैं मुसलमान हाँ। उत्तों असी कही दे जे मौलवी बख्शे गए असी भी बख्शे जावे, उत्तों असी कही दे ये जग मिठे अगले किन्ने डिठाए, एवें आख्या कर ला ला। नबी पाक ने अपनी अद्धी उम्र कबर दे खौफ दी होया तो रो रो के गुजारी है, अद्धी उम्र नबी पाक ने कबर दे अज़ाब तो डर डर के गुजारी है। हर वक्त नबी पाक रोंदे रहिंदे, अपने सहाबियां नूं कहिंदे मेरे सहाबियो मैनू कबर दे अज़ाब तो बड़ा डर आंदा है। पुछण वाले पुछिया अग्गे जी तुसी तां जनाब गुनाहां तो पाक हो, फरमाया गुनाहां तो पाक हां, मगर जिहड़ी रूह निकलण लग्या दर्द आउंदी है, जिहड़ी रूह निकलन लग्या दर्द आउंदी है। अगर तुहानूं उहदा पता लग जावे तुसी मस्जिद चो बाहर ना जावो, अगर तुहानूं उहदा पता लग जावे कि ज़्यादती करन दा की अंजाम है, दुनिया करना दी जनाब रब दी कसम है, तुसी अपने कारोबार ही बंद कर दिओ ते मस्जिदां च आ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह एक कब्र च जिते सुतने अल्लाह करवट करवट सुकून अता फरमाओ। बड़ी प्यारी तर्जमानी करदे ने, मैं वे कहांगा वो आंदे ने जनाब अपनी भैणा दा हक नहीं मारना, अपने भाइयों दा हक नहीं मारना। अल्लाह अल्लाह केड़ी शेखी ते वद वद करे तू गल्ला, केड़ी शेखी ते वद वद करे तू गल्ला, होना मट्टी नाल मट्टी होगा ते तेरी ओथे अमलां दे सौ दड़िया दे रखी, ओथे अमलां दे सौ दड़िया दे रखी, ओथे किसे भी नहीं पुछदी जात तेरी। ते मुंह पैड़ा बोलना बोल पावी, ओ वीरा मुंह पैड़ा बोलना बोल पावी, मदा फिर ना होवे मुलाकात तेरी। ओ केड़ी चीज है जेड़ी तेनू गुरूर करन ते मजबूर कर दी है, केड़ी चीज है जिन्हें तेनू मान करन ते गुरूर कर दिता। क्या तेनू नहीं पता तू स्पीकर च ऐलान सुनना है, ओ फलाने दा बेटा फलाने दा बाप फोत हो गया, फलाने दी अम्मी फोत हो गई, फलाने दा भाई फोत हो गया। ओ दुनिया कहना दे लोगो ऐसे ऐसे लोग कबर के अंदर लम्बे पहने जेड़े जुमे पढ़ते रहे मगर अज कबर च लेटे ने। अज अगर उन्हों का बस चल जाए वो कबर चो जनाब फलाने बंदे दी मैं अज चार बंदे अंदर खलो के बेइज्जती कर दी है, वह फलाने बंदे नूं मैं झाड़ा ला के आया वा, वह फलाने बंदे दी मैं ला के हाथ च फड़ा दी है। ये लग पता जाएगा जो अदालत का फैसला होएगा, जो मेरे रब की कचहरी लगेगी, जो मेरे रब ने इंसाफ करना है। एक एक थप्पड़ का बदला देना पड़ेगा, एक एक गाली का बदला देना पड़ेगा। वो दुनिया कहना दियो लोगो ये दुनिया जनाब धोखे का समान है। इस महीने के अंदर 12 इतने इतने बड़े अकाबिर उलमा दुनिया तो चले गए, इतने इतने अहले हदीस जनाब, इतने इतने मुफस्सरे कुरान, इतने इतने मुफस्सरे हदीस दुनिया तो चले गए, इतने इतने मसले के देवबंद दे, इतने इतने बड़े आलम दुनिया तो चले गए। क्यामत दियां भी निशानियां ने, 10 अलामत सुगरा, 10 अलामत कुबरा ने, छोटिया निशानियां सारिया पूरी हो गई, बड़िया अलामत शुरू हो गई। उनके बिचों एक अलामत है कि जनाब क्यामत करीब इलम उठा लिया जाएगा, क्यामत करीब इलम उठा लिया जाएगा। उस इलम तो मुराद की है उलमाए कराम अल्लाह को चले जाएंगे, उलमाए कराम रब नू प्यारे हो जाएंगे। आओ सुन लो मैं आखिरी बात करा तो सलाम मेरा अल्लाह को अल्लाह मैं मुहब्बत नावे के नवा जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है, हुए नाम वर बे निशा के कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम वर बे निशा कैसे कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है, ये इबरत दुआ करो ला मैं जो कुछ सुनाया तुसी सुनिया अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमा के जरिए निजात बनाए। आख दियो आमीन।
अल्लाह साढ़े वास्ते जरिया नजात बना। अल्लाह साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा। आमीन नहीं आखदे हो ना इंदा खर्चा है ना इंदा परचा है। आमीन आखन लगे तुसी घर जांदे अल्लाह जितने बैठे ने सब दा कदम कदम चल के आना अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह सब दा मसदा नाल प्यार करना तावन करना अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमा। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।